सभी दर्शकों को, राजस्थानी कवि गीतकार श्रीमान कल्याण सिंह जी राजावत की पुस्तक का आज विमोचन हुआ है। इस समय हमारे साथ है उनकी सुपुत्री कामना जी राजावत। सीधी उनसे बात करते हैं। कामना जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आप पधारे। आपके पापा जी की जो पोथी है लो सारो आकाश संभालो, उसका आज विमोचन किया गया है, इस पर आप कुछ कहना चाहें? मतलब बहुत लंबा टाइम हूँ मैं चाह रही ही कि कंवर साहब की जो बिखरोड़ी कविताएं है, जो लिख लिखकर कोई भी कागज़ पर यूँ ही फेंक देता और अब बाकी तबीयत ठीक कौन रहे, वह बोल भी कौन पावे, तो बाने समेटनों और बाने समझनों बहुत मुश्किल हो, तो इन थोड़ा लंबो टाइम लगे और थोड़ा कुछ, पर आ पोथी आज आई है तो हमारे वास्ते बहुत खुशी की बात है और कंवर साहब बहुत राजी है। इम बत्ती बात है हमारे लिए कि कंवर साहब की पोथी को मैं विमोचन करवा पा रही हूँ। लो सारो आकाश समाड़ो आपके सामने है, आप पढ़ो सराओ और समझो कि कल्याण सिंह राजावत काई है। आबाड़ी पीढ़ियाँ राजस्थानी संस्कृति जानबा ने कल्याण सिंह राजावत पढ़सी जदि बंठा पढ़सी कि राजस्थानी संस्कृति काई हुआ करे है। और जो कंवर साहब को जो शब्दों को चयन है, चाहे वो आपने कोई दूसरा कवि में कौन मिले, हमारा भी गुरु हीरालाल जी माहेश्वरी भाई बात कहता कि राजावत जी का शब्दों को चयन कोई कौन कर पावे, आंका शब्द ईशा है कि बस एक शब्द ने निकाल दो तो दूजो भी फिट कौन बैठे, जे अंगूठी में नगीनों बैठे नहीं आन का आंको शब्दों को चयन है, तो ये माँ की खासियत है। और जब गाता हाज तो बात ही निराली ही। और आज वो और सारो आकाश संभालो, इन्हें पहली तो मैं सोची कि कई भागों में इन्हें करूँ क्योंकि रुत की रमजोड़ा है, इनमें ऋतु काव्य है, ऋतु की बातें हैं, विरसात्मक काव्य है और इनमें नीति की अड़ा वह है और साथ में जो रूपक है वह भी दिया है और कुछ योजनाओं का गीत भी है। चार पांच पोथियाँ बन सके ही, पर मैं सोची कि एक मोटी पोथी आ ही बढ़िया रह सी क्योंकि एक सागे को संग्रह बन जैसे। आगे आपसे आप पूछना चाहूँ कि आई पोथी में क्यों तेनारी पोथी है, रमा काई है भाई राजस्थानी गीता की इम तो कुछ मतलब कंवर साहब का जखा, कंवर साहब के और भी पहली पोथियाँ आ चुकी है जैन हिंदी में, तो आके मिमझर पहली आई ही और आ जमीन आपनी भी की एक प्रतिकोनी मारकन इतने और परवाती रामतियाँ मत तोड़ कुण कुण ने बिलमासी की पोथियाँ पहली प्रकाशित हुई ओड़ी है। पर इमें जखी कविताओं है, दो चार कविताओं तो इतनी प्रसिद्ध है, जहाँ राम राम सा है कान का किवाड़ क्यों जड़े, बोल राज है कटे सूराज है कटे जबान पे लगाम क्यों पड़े, या राम राम सा जबकि पूरा भारत में धूम मचाई, तो वह कविताओं भी है और वह कविताओं हैं जबकि और पत्रिकाओं में छपी और कौन कोई सी एन की कविताओं भी है जबकि कंवर साहब ने मतलब सही भी कौन करी ही बैन की कविता बन सगले ने भेड़ी कर एक जगह करी है और लो सारो आकाश संभलायो है आप सब ने। नहीं आप कंवर सारी एक कविता हूँ पढ़ी सातवीं क्लास रे माई सातवीं क्लास रमाए हिंदी रो इकतीसवां पाठ हूँ तो गढ़ला शीतल नीर रार कितरा करूँ बखाण हिमसू थारो हे तहर जल इमृत रह पाण ई त्रहरी कविता आज आपने राजस्थान में जो हिंदी रो सिलेबस भी मैं पढ़ने नहीं मिले इनो काई कारण मान दो आप? अब कांटा काई पार्शलिटी वह है क्योंकि कौन सा गजन प्रभाती है खंड काव्य है और इतना एक हूँ एक बड़र गीत है, आई बात को नहीं कि अन खाली गाबा में ही खास है, आके आप शब्द देखो आका भाव देखो कि अन कोर्स में आनो चाहे जाए। हालांकि बटे जोधपुर में जयनारायण व्यास में जो राजस्थानी विभाग है भीम कंवर साहब का गीत चालिया करे है और वर्धमान में भी वर्धमान यूनिवर्सिटी में भी कंवर साहब का एमए में आ, पर अबार कोर्स में खटे भी कोनी और नहीं कोई आप पर अबार रिसर्च करी है, आ सौ दुखाली बात है। मैं आपने बताऊँ आपका कंवर साहब का कहना कारण है, मैं भी राजस्थानी साहित्य से एमए करी और मैं भी राजस्थान साहित्य से हूँ डबल एमए हूँ और जब बिन टाइम मैं राजस्थानी साहित्य में एमए करी तो आरो जिक्र है कल्याण सिंह जी राजावत रो नाम राजस्थानी साहित्य री किताबा एमए रमाई भी आवे, आप भी पढ़ियो? बिल्कुल भाई, तो मैं बात कह रही हूँ कि मैं भी डिंगल की छात्रा रही हूँ तो बी टाइम जो हमारा सर आई बात कहता है कि शब्दों का चयन राजावत जैसा किसी का नहीं है। दूसरी बात अपना राजस्थानी भाषा ही करा, आज पंजाब में पंजाबी भाषा ने मान्यता है, गुजरात में गुजराती ने, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मराठी ने, पर राजस्थान में आज तई राजस्थानी भाषा ने मान्यता क्यों नहीं मिल रही, इरो कई कारण मानो आप? इको कारण वही है कि अठांगा जो नेता है वह कमजोर रिया,
कि कोई पुख्ता ही हूँ, आपकी आवाज़ को नहीं उठा पाया, आगे ताने पुगा कौन पाया, और थोड़ा कुछ बंटियोडारिया खींचा ताने कोई कह भाई माखाड़ी भाषा ने मान्यता मिलनी चाहिए, कोई माखाड़ी भाई ज्यादा ढूंढाड़ी मेवाड़ी मेवातीर सगड़ा हाड़ोतीर न्यारी न्यारी बोलियाँ हैं, तो एक कारण वो भी हो सके है। पर अब सब जतन कर रहा है और मन पूरा विश्वास है कि राजस्थानी मान्यता मिल सी। जो जका मीन राजस्थानी भाषाओं जुड़ेड़ा है युवा है बे आपने टाइम देख रहा है वन आप कई संदेश देना चाहो? वन वही संदेश देना चाहूँ कि आप राजस्थानी बोलो, राजस्थानी पढ़ो, राजस्थानी लिखो और सौ पहले घरों शुरुआत करो, है ना। आप घर में तो अंग्रेजी में गिटपिट कराएं या हिंदी में बोला और बात आप राजस्थानी की मान्यता का करा तो खटाऊ मिल सी। मैं भी और प्रदेशों में घूमी हूँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत है, तो सगड़े आपकी मातृभाषा बोले और एक अपना टाबर है जखाने हिंदी में पढ़नो पड़े और आपने कहींटा राजस्थानी बोलबा में संकोच क्यों करे आ हीन भावना कहींटा खटाऊ आ गई। पर मैं मारो रिकॉर्ड है मैं आज तक कमर सौ कदे हूँ हिंदी में बात कौन करी, मैं राजस्थानी में बात करूँ और जटे भी कोई मिल जाए मन राजस्थानी में बात करवा लो तो मन गुमेज हुआ अप्रैल लें भाषा पर कि मैं राजस्थानी हूँ राजस्थानी भाषी हूँ। नहीं बात करा भाषा री, जब अपनो देश 1947 में आजाद हुए उन वक्त 2% लोग ही शायद अंग्रेजी जानता और अपनी मातृभाषा जानता या हिंदी जानता, पर आज लोग मातृभाषा ने भूल गया हिंदी ने भूल गया और जी भाषा ने नहीं जानता आज लोग भी अपना रहे कहीं कहना चाहो? और देखा देखी है आधुनिकता को चलन है और दूसरी बात है कि इन्हें जब मान्यता नहीं मिली, मान्यता मिल सी जब रोजगारों जुड़ सी, रोजगारों जुड़ सी जद ही लोग ही आगे आ सी। अब खटे भी इंटरव्यू देवाना जावे या कोई भी नौकरी में जावे तो अंग्रेजी को प्रचलन ज़्यादा है, तो वह जद अंग्रेजी पढ़ाना चाहे गरीब गरीब है वो भी कोशिश करे कि भी का टाबर अंग्रेजी पढ़े, तो वही एक कारण है कि जते मान अपनी भाषा ने मान्यता नहीं मिल सी या रोजगारों नहीं जुड़ सी जते दिक्कत ही रह सी है। बात करा लियो सारो आकाश संभालो, जो राजस्थानी चाप वाला है राजस्थानी पट वाला है भी पोथी ने लेबो चाहे तो कठे सो संपर्क करना पड़ सी? आप पर कई साइडा हैं बीपर भी डाल से और आज तो अटे मौजूद है, कोई लेना चाहे तो वार ले सके नहीं मारू संपर्क कर सके है। और कुछ राजस्थानी भाषा रहे माते आपने नेतावान ने प्रदेश जनता ने आप कुछ कहना चाहो? भाई नेता ने तो आई कहना चाहूँ कि भाई आप बोर्ड तो आप राजस्थानी भाषा का लो और इन मान्यता नहीं दिलाओ तो आ तो गलत बात है ना। आगे आगे का जो चुनाव उसी इन मुद्दो रहनो चाहे जाए कि अपनी भाषा ने मान्यता मिली, मान्यता दिलासी जगानी वोट देसानी को नहीं देवा। मान्यता दिलासी बिने राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलासी बिने ही वोट देसा ओ कहनो है। कामना जी राजा उतरो ई प्रकार देखता रहो न्यूज 80 राजस्थान जयपुर। कैमरामैन सांवरमल पूनिया के साथ बजरंग सिंह से।